हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पदिक समीकरणों के नेक्स्ट उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो चाप के लंबाई के अवकलज हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो, परीक्षा की दृष्टि से अपने जो बीएससी के अंदर जो अपने तीन पैटर्न में ए बी और सी में सवाल आता है, तो इससे कई बार अपने ए पैटर्न में और बी पैटर्न में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। तो अपन देखते हैं कि चाप की लंबाई के अवकलज किस प्रकार आते हैं, तो वो अपन देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पेडल इक्वेशन निकाली थी ध्रुवीय रूप में, और कार्तीय रूप में जब अपने पास समीकरण दी हुई होती है तो अपन उसके जो पदिक समीकरण है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे अपन उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चाप की लंबाई के अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क को फाइंड करते हैं। तो देखो, अपने पास जब समीकरण जिस हिसाब से दी हुई हो, वक्र के समीकरण कार्तीय रूप में दे सकते हैं, प्राचल रूप में यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में दे सकता है, ध्रुवीय रूप में दे सकता है, तो जिस रूप में दिया जाए तो अपन उनसे सबसे आज अपने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला मेथड होता है जब वक्र की समीकरण कार्तीय रूप में हो यानी कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो, यानी कि अर्थात वाई बराबर एफ एक्स फॉर्म में दी हुई हो, यानी वाई और एक्स के अंदर अपने को वक्र की समीकरण दी हुई हो, तो उससे क्या होगा, उससे अपने पास जो चाप की लंबाई छोटे से भाग की लंबाई होती है वो होती है डीएस। तो उससे ds और dx तो लेते हैं, तो ds का होल स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये अपने पाइथागोरस फॉर्मूला होता है जिसे अपन बोधायन प्रमेय भी से भी व्यक्त करते हैं, बोधायन सूत्र कहते हैं इसको, आधार और लंब। तो ये हो गया अपना कर्ण, तो पाइथागोरस सूत्र से अपने पास ये हो गया। अब मैं ds स्क्वायर है उसका ds निकालता हूं, तो सामने वाली वैल्यू पे अंडर रूट आ गया। अब अंडर रूट आता है तो कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम किसी का वर्गमूल लेते हैं तो संख्या अपने पास प्लस और माइनस आती है, लेकिन यहाँ पे अपन चाप की लंबाई की बात कर रहे हैं और लंबाई एक ऐसी राशि है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम यहाँ से प्लस चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लस लिया, फिर मैं dx का भाग लगाता हूँ, इस फॉर्म में चाहिए मेरे को, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx में dx का भाग तो 1 आ गया, dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया, तो ये अपने पास फॉर्मूला नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार इस फॉर्मूले के अंदर मैं dy का भाग लगा दूं तो dx अपॉन dy का होल स्क्वायर प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार जब वक्र की समीकरण प्राचल रूप में हो यानी कि अपने पास जो x और y है वो किसी अन्य वेरिएबल के फलन हो, अन्य चर के कोई फलन हो, तो वो किस प्रकार होंगे, जैसे x है वो t का फलन है और y भी कोई t का फलन है, तो यहां से समीकरण एक में ds में हम t का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो, इससे अपन कुछ और फॉर्मूले जनरेट होते हैं, तो देखो ये अपना त्रिभुज है x y और z, ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से cos psi का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये आधार ये कर्ण, तो dx अपॉन ds। sin phi ये होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है dy अपॉन ds। ठीक है, इसी प्रकार tan psi, तो tan psi होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब कौन है dy और आधार कौन है dx, तो dy अपॉन dx, तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। इसी प्रकार जब ध्रुवीय वक्र दिया हो यानी वक्र के समीकरण ध्रुवीय रूप में यानी r और थीटा के अंदर दे रखे, जैसे जनरली अपन ने एक समीकरण लिया है थीटा बराबर r fr, तो इसके अंदर इससे त्रिभुज किस प्रकार अपने पास जनरेट होता है, कि चाप की लंबाई जो छोटा सा चाप का टुकड़ा होता है उसकी लंबाई हम ds लेते हैं, तो लंब होता है r d थीटा और आधार होता है dr। तो यहां से भी वही अपन बोधायन सूत्र या पाइथागोरस सूत्र किसी भी नाम से व्यक्त कर लो, तो उससे क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसमें से अपने को ds निकालना है, तो वही बात आती है लंबाई है यहाँ पे, तो लंबाई हमेशा प्लस में होती है, जीरो हो सकती है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पे हमने प्लस लिया। फिर हमें r के रेस्पेक्ट में यानी r के सापेक्ष लेना है, तो मैंने dr का यहाँ होल स्क्वायर का भाग लिया, तो यहाँ से क्या हो गया आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार डी थीटा के लिए सापेक्ष लेंगे तो डी एस अपॉन डी थीटा बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। फिर और कुछ इसी प्रकार जैसे साई के लिए अपने पास फॉर्मूले आए, तो इनके मध्य ध्रुवीय रूप में मध्य कोण होता है वो होता है फाई, तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर देखेंगे साइन बराबर साइन फाई बराबर क्या हो जाता है साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ लंब कौन है आर डी थीटा और कर्ण कौन है डी एस, तो आर डी थीटा अपॉन डी एस
कॉस फाई कौन होता है, कॉस हमें पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है डी आर और कर्ण कौन है डी एस, तो डी आर अपॉन डी एस हो गया कॉस फाई। इसी प्रकार टेन फाई होता है, जैसे टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का फाई का फॉर्मूला अपन ने पहले भी निकाला है, जो पिछले वाले वीडियो में अपन ने इसकी इसको जनरेट भी किया था, तो इसका फॉर्मूला आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। यहां से भी देख लो लंब बटा आधार डी आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, अब इन्हीं फॉर्मूलों के अनुसार अपन किसी चाप कैलकुलस की जो समस्याएं होती है उनको हल करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। तो देखो अब जैसे इससे प्रॉब्लम किस प्रकार देंगे, तो सपोज करो अपने पास पहले कार्तीय रूप की कोई प्रॉब्लम लेते हैं, तो जैसे दिया हुआ है परवल्ले, परवल्ले की समीकरण क्या होती है y बराबर 4ax के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, तो सपोज करो अपने को सिद्ध कर दिया ds अपॉन dx अंडरवुड ए अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये अपने से सिद्ध करवा लिया कि डी एस अपॉन डी एक्स यानी इस रूप में चाप के अवकलज की लंबाई होगी, वो अपने को निकाल दिया लंबाई का अवकलज और वो अपने को परवल यानी कार्तीय रूप में दे रखा है। तो अपने सिद्ध दिमाग में अपने पास रहना चाहिए कि इसके कार्तीय फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार तो कार्तीय फॉर्मूले में अपने को पता है डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए अपने को डी वी बाई डी एक्स की जरूरत होगी। तो इसका आंसर किस प्रकार होगा, दिया गया वक्र y बराबर 4ax समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy upon dx equal to 4a, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा dv by dx 2a upon y equation 2, ये आ गया। इसलिए सूत्र से सूत्र अपना पास क्या होता है अभी लिखे थे तो उसी को अपन यूज करेंगे। क्या होता है डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें अपन मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा देखो 2a प्लस सॉरी 1 प्लस 2a अपॉन होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका होल स्क्वायर हो गया। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो हम इससे y स्क्वायर का मान रख सकते हैं, y स्क्वायर का मान अपने पास समीकरण एक में है, ये अपने पास आ गया। तो यहां से देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया ds अपॉन dx 1 प्लस a अपॉन x। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये इस प्रकार से हो गया अपने पास कि किस प्रकार हुआ कि ds अपॉन dx निकालना था अपने को, जो सिद्ध करना था तो अपने को एक परवल्ले की समीकरण दे रखी थी y स्क्वायर बराबर 4ax, तो हमने उसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो उससे अपने पास dv/dx प्राप्त हुआ, उससे फिर हमने सूत्र लिखा ds अपॉन dx का
और dy अपॉन dx का यहाँ से मान रखा, और मान रखने के बाद हमने इस प्रकार से इसको सरल किया तो अपने पास ds अपॉन dx का मान आ गया जो LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि ये अपना सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अब सपोज करो r और थीटा के अंदर संबंध दिया हुआ अपने को, भैया तो अपने कार्तीय रूप में होगी। अब हम r और थीटा यानी कि ध्रुवीय रूप में बात करते हैं, एक समस्या ध्रुवीय रूप की लेते हैं। तो ध्रुवीय रूप में वक्र r बराबर a वन प्लस cos थीटा के लिए ds अपॉन d थीटा ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम ds अपॉन d थीटा ज्ञात करते हैं। तो ये भी अपने ds अपॉन d थीटा का ध्रुवीय रूप में अपन ने फॉर्मूला लिखा था, तो वही फॉर्मूला यहां से यूज करेंगे। तो यहां से देखो d थीटा ds ही अपने को, तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार, तो दिया गया वक्र r बराबर a वन प्लस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास समीकरण एक हो गया। समीकरण एक का यहां पे वेरिएबल कौन होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा यहां डी आर अपॉन डी थीटा, यहां से पी वन का क्या हो गया जीरो, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो अपने पास आ गया माइनस का ए साइन थीटा, समीकरण संख्या दो। इसलिए सूत्र से क्या होता है डी एस अपॉन डी थीटा अंडर रूट, डी एस अपॉन डी थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास था, तो हम इसमें मान रख देते हैं। तो समीकरण एक और दो से देखो अपने वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने पे अपने पास क्या हो जाएगा ds अपॉन d थीटा, r का मान अपने पास क्या है, तो r स्क्वायर a वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस या माइनस का हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अपने पास कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास ए, इसका मैं फॉर्मूला खोल देता हूं ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, यहां से क्या ए अपने पास साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब यहां से अपने पास ए, यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, और वन पहले से है तो कितने हो गए दो, टू प्लस टू कॉस थीटा, तो ये अपने पास हो गया टू प्लस टू कॉस थीटा, तो टू कॉमन आ गया तो ये हो गया वन प्लस कॉस थीटा, और हमें पता वन प्लस कॉस थीटा हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हमने पिछले वाले वीडियो में इनके फॉर्मूले लिखे थे 1 प्लस cos थीटा का क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, तो 4 बाहर आया तो क्या हो गया 2 a cos थीटा बाई टू, किसका मान है अपने पास ds अपॉन d थीटा का, यानी अपन ने वो ds अपॉन d थीटा इसने ज्ञात करवाया था ध्रुवीय रूप में, तो इसका मान अपने पास क्या आ गया 2 a cos थीटा बाई 2। किस प्रकार आया कि अपने को एक ध्रुवीय रूप में समीकरण दी r और थीटा के रूप में, तो हमने r के रूप में थीटा के रूप में फलन था, तो हमने थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन किया, तो हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हुई। फिर हमने सूत्र लगाया ds अपॉन d थीटा, तो ds अपॉन d थीटा का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अपने पास ये इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये था तो ध्रुवीय रूप में, अब हम बात करते हैं प्राचल रूप में भी दिया जाए तो किस प्रकार होगी ये समस्या।
वक्र x बराबर a 1 माइनस cos t, y बराबर a t प्लस sin t, ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। अपने को ज्ञात करवा रहे हैं ये क्या ds अपॉन dt, ds अपॉन dx और c ds अपॉन dy। ये तीन चीज अपने को इस पर्सन के अंदर अपने से ज्ञात करवा रहे हैं कि अपने को x और y के t के अंदर फॉर्मूले दिए गए हैं जो प्राचल रूप में अपन वक्र के समीकरण दे रखे हैं, तो इससे अपने को ये तीन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार होगा, तो इसको आंसर में लेंगे, दिया गया वक्र किस प्रकार है, दिया गया वक्र के समीकरण प्राचल रूप में अपने को समीकरण दिए हुए हैं, क्या दे रखे हैं, x बराबर a 1 माइनस cos t, y बराबर a t प्लस sin t। तो t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन निकाल दें तो किस प्रकार होगा, ds अपॉन dt। तो यहां से क्या जाएगा, a कॉस का क्या माइनस साइन और टी होता है और एक माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन टी, डीवाई अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी का वन प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो ये अपने पास समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, तो ये समीकरण एक हो गई और ये अपने पास दो हो गई, इसलिए सूत्र से, तो सूत्र से अपने पास ए पार्ट निकालते हैं, तो ए पार्ट क्या है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो ये होता है अपने पास फॉर्मूला, तो इन दोनों समीकरण दो से इन दोनों के मान रख दिए जाते हैं अपने पास, तो क्या होंगे, देखो यहां से मान रखते हैं अपन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो यहां से भी देखो अभी पिछले वाले सवाल की तरह ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर तो हम ले लेते हैं बाहर, तो क्या आ गया, ए यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी वन प्लस कॉस टी हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस टू कॉस टी। तो यहां से देखो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, एक, तो इसका मतलब एक रेख कितने हो गए, दो प्लस टू कॉस टी। यहां से देखो अपने पास दो फिर कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया, टू वन प्लस कॉस टी, तो वन प्लस कॉस टी क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू। तो यहां से लिख सकते हैं ए टू बार टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, तो यहां अपने पास क्या आ गया, टू ए कोस टी बाई टू, किसका फॉर्मूला आ गया, डीएस अपॉन डी टी। तो ये अपने पास एक चीज सॉल्व हो गई, डीएस अपॉन डी टी अपने को ज्ञात करवाया था। अब बात आती है अपने बी, बी पार्ट, बी पार्ट क्या अपना, डीएस अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स एक ही पर्सन में पूछा जाए तो हमने ए पार्ट का इसी में यूज कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे, तो हमने पहले पुरानी क्लासों में पढ़ा है, ट्वेल्थ के अंदर भी पढ़ा है कि प्रथम श्रृंखला नियम होता है, तो प्रथम श्रृंखला नियम का अपन यहां से यूज करेंगे। तो ds अपॉन dt हमने ज्ञात कर रखा है, dt की गुणा भाग करते हैं तो ds अपॉन dt डॉट dt अपॉन dx हो गया। अब ds अपॉन dt का भी मान अपने पास है और dt अपॉन dx, यानी कि कहने का मतलब यह, देखो यहां से भी वैल्यू प्राप्त है, तो यहां से वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ds अपॉन dt तो है 2 a cos t by 2,
ये हो जाएगी अपॉन में, तो अपने पास क्या जाएगा ए साइन टी। तो यहां से देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डीएस अपॉन डीएक्स है, तो यहां से हो गया टू कॉस टी बाय टू, और साइन को मैं हाफ एंगल के फॉर्मूले में बोलता हूं साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू, ठीक है। तो हमने यहाँ हाफ एंगल के फॉर्मूले में बोला, तो दो से दो कैंसिल आउट हो गया कॉस टी बाय टू से कॉस टी बाय टू, तो अपने पास क्या बच गया वन अपॉन साइन टी बाय टू। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला आ गया डीएस अपॉन डीएक्स का मान आ गया कॉस एक टी बाई टू। तो अपने पास देखो बी पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया, तो डीएस अपॉन डीएक्स का मान क्या आ गया कॉस टी बाई टू। इसी प्रकार अपन सी को भी ज्ञात करते हैं, तो सी क्या अपने पास डीएस अपॉन डी वाई, तो इसी प्रकार डीएस अपॉन डी वाई ज्ञात करेंगे, तो डी टी की गुणा भाग करता हूं मैं। तो यहां देखो समीकरण दो में अपने पास, और यहां पे डीएस अपॉन डी टी ए पार्ट में, तो यहां से वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए कॉस टी बाई टू बटा यहां कितना हो जाएगा ए वन प्लस कॉस टी। तो यहां से देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास हो गया टू कॉस टी बाई टू वन प्लस कॉस टी। तो वन प्लस कॉस टी हम फिर हाफ एंगल के फॉर्मूले में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा टू कॉस टी बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू। तो देखो दो से दो कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आ गया डी एस अपॉन डी वाई इक्वल टू वन अपॉन कॉस टी बाई टू, जिसे हम लिख सकते हैं सेक टी बाई टू। हमें पता है कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार अपने को प्राचल रूप में दिया था, जिससे अपने डीएस अपॉन डीटी पूछा था, फिर डीएस अपॉन डीएक्स पूछा था, फिर डीएस अपॉन डीवाई पूछा था। तो हमने इस प्रकार देखो सबसे पहले प्राचल के रूप में समीकरण दी, तो जो अपने को प्राचल दिया हुआ था टी, यानी कि अन्य कोई चर दे रखा था जिसमें एक्स और वाई दोनों फलन थे उसके, ठीक है, तो एक्स वाई टी के फलन थे, तो टी के फलन थे, तो हमने टी के रेस्पेक्ट में इसका आकलन किया और फिर हमने सूत्र लगाया, तो ए प्राप्त हो गया। ए से हमने बी और सी इस प्रकार सरल करके ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से अपने पास जो चाप की लंबाई होती है उसके अवकलन इस प्रकार अपन ध्रुवीय रूप में, कार्तीय रूप में और प्राचल रूप में होते हैं, तो हम समीकरण इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।